एनी ऑब्जेक्ट इज वेदर ऑस्पिशियस और अनऑस्पिशियस? ऑनऑस्पिशियस वहां से जाने से घर में आके नहा के घुसते हैं, है ना। तो स्मशान का कोई भी चीज आपके बेडरूम में या आपके घर में रखना, जनरल नॉलेज क्या बोलता है, वेदर इट इज गुड और बैड? नेगेटिव चीज है तो उसमें आपको नेगेटिव करेगा या पॉजिटिव करेगा? गुरु का महादशा हो ऐसे कंडीशन में व्यक्ति के व्यक्तित्व में एक अलग प्रकार का वाइब्रेशन बनता है, इज अ वेरी पॉजिटिव वाइब्रेशन। भले बृहस्पति कारक नहीं हो, उसका दृष्टि भगवान बृहस्पति का दृष्टि अमृतमय, पवित्र और हमेशा अच्छा रहता है। हाँ, हो सकता है कहीं बैठे कारक भावनाशय कर दे, या अगर आपके अगेंस्ट एनर्जी है तो हो सकता है आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत दे, लेकिन इसका मतलब कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि गुरु बृहस्पति अशुभ कार्य इत्यादि में लगाता है, नहीं लगाता है। नेक्स्ट बिंदु ये है, गुरु बृहस्पति के महादशा जब भी मकर राशि के जिंदगी में आता है या फिर मिथुन कन्या मकर कुंभ तुला एंड टॉरस, यू नो दैट इज कॉल्ड वृषभ राशि, ये गुरु बृहस्पति इनके लिए तो कारक नहीं है, लेकिन इनके जीवन में गुरु बृहस्पति का दशा आना प्लेसमेंट डिपेंड करता है, व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाता है, पूजा पाठ में मन लगाता है और व्यक्ति के अंदर इवन इफ मैं देखा हूँ अगर स्वगृही है, ब्रह्म विद्या, आत्मविद्या, वेदांत विद्या इत्यादि के तरफ लेके जाता है। कभी कभार यहाँ तक भी देखा गया है कि व्यक्ति मूर्ति पूजा वगैरह छोड़ के ये निराकार निर्गुण नित्य चैतन्य आनंद स्वरूप में जाता है। कुछ लोग आर्य समाजी भी हो जाते हैं, कुछ लोग ब्रह्म विद्या के चक्कर में पड़ जाते हैं और पूजा पाठ छोड़ देते हैं, और उसके बाद जब शनि महादशा आ जाता है तो फिर से ये लोग बुत परस्ती और पूजा पाठ और मूर्ति इत्यादि में आ जाते हैं। ये इस प्रकार के वेरिएशन होते हुए कई बार देखा गया है। यानी मकर के साथ या जो भी मैं ये चार राशि का छः राशि का बात बताया, इनके साथ ये उल्टा होता है कि पहले ये लोग निर्गुण निराकार नित्य चैतन्य आनंद स्वरूप वेद ब्रह्म तत्वों में चले जाते हैं और उसके बाद फिर वो वस्तु तत्वों में काली तत्वों में आ जाते हैं। और यहाँ इस समय जो आपका प्रश्न था, क्या स्मशान का चीज़ मैं मुझे घर में रखना चाहिए, मेरा एक ही रोटो मतलब आंसर है कि नहीं रखना चाहिए, और रखना वहीं चाहिए जहाँ पर आप अगर कहीं पर साधना करते हो, पीठ बनाए हो, बाहर है, वो भी गुरु के आज्ञा के अनुसार रखना चाहिए। कोई ऐसा तैसा आदमी बोल दे, मित्र बोल दे, बंधु बोल दे, उसको उसके बारे में नहीं पता हो, वो नहीं रखना चाहिए। ये बहुत पावरफुल चीज़ होता है, श्मशान का धूल, श्मशान का आग, श्मशान का पानी, श्मशान का पैसा, श्मशान का कपड़ा, नेगेटिव तंत्र में इसको बहुत भयंकर उपयोग किया जाता है। और मैं वो सब बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं ये सब बहुत सारे प्रैक्टिकल लोगों को करते हुए देखा हूँ, और ये नेचुरली अनऑस्पिशियस है, और मैं कहूँगा इस नेगेटिव साइड पे नहीं जाना है। बहुत से लोगों का कंप्लेन है कि हम लोग अमुक पूजा करते हैं, अमुक पाठ करते हैं, ये रेमेडी किया और वो रेमेडी काम नहीं दिया। देखो, कोई भी रेमेडी का एक इंटेंसिटी रहता है और काम नहीं देता ऐसा कभी हुआ नहीं है, होता है, किसी को कम होता है, किसी को ज़्यादा होता है। अगर सोचो ग्रह बल और आपके साथ बुरा करने वाले ग्रहों का स्थिति, दशा अंतरदशा या फिर साढ़े साथी जैसे हैवी एनर्जी, जिसका जितना पावरफुल शनि है उस हिसाब में उसके जीवन में घटनाएं घटते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, ये सारा जो भी रेमेडीज़ हैं, टोटके हैं, चाहे वो लाल किताब टोटके हो, छोटे टोटके हो, ये सब अगर कहीं किसी ना किसी कंडीशन पे किसी जीवन में किसी के व्यक्ति में फेल्योर होता है तो क्या करना चाहिए। एक ऐसा चीज़ है, श्रीमद् भागवत गीता जी में श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि ते देवा भवयंतु वा, आप जब तक देवी देवताओं को एक्टिव नहीं करोगे यानी नहीं दोगे, ते देवा भवयंतु वा,
तब तक वो देवी देवता आपके लिए ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, ये आपको नहीं देंगे। तो देवी देवताओं को कैसे देंगे, उनका क्या अभाव है, कमी है क्या जो उनको देना पड़ेगा? क्या लड्डू गणेश जी को नहीं मिलता है, माँ दुर्गा को नारियल नहीं मिलता है? क्या ये लोग आपके दया में जिंदा हैं क्या? नहीं, ये जो भी द्रव्य इत्यादि देते हैं, द्रव्य यज्ञ करते हैं, ऐसे ही श्रीमद् भागवत जी गीता के अनुसार हवन के माध्यम से अग्नि देवताश्च मुखः, अग्नि के माध्यम से देवताओं को हवन माध्यम में जब आप देते हो तो उनको प्राप्त होता है और फिर वो बलि होते हैं और उसी के बाद आपको देते हैं या आपके लिए जो भी उपयुक्त है, कल्याणकारी है, वो करते हैं। दूसरा बिंदु यह है कि ये सच है कि जो घटना है वो घटेगा, लेकिन अगर आप पूजा पाठ, कर्मकांड, हवन इत्यादि, मुख्यतः हवन प्रमुख विषय है। देखिए, कल रात को एक वीडियो दिया कि गणपति का ठीक है, गणपति बाप्पा मोरिया कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, लड्डू वड्डू दे रहे हो, नारियल भोग रहे हो, इत्यादि सब कुछ कर रहे हो, लेकिन पूजा का सबसे प्रमुख चीज़, जप का सबसे प्रमुख चीज़, आध्यात्म का सबसे प्रमुख चीज़ है हवन, यज्ञ, स्वाहा। और जब तक ये हवन नहीं करते हो तब तक ना ही आपका मंत्र सिद्धि होता है, ना ही आपके यंत्र सिद्धि होते हैं, ना ही आपके तंत्र सिद्धि होते हैं, ना ही आपके अभिष्ट सिद्धि होते हैं। इसलिए कोई भी पूजा पाठ आप करते हो तो इसलिए किसी भी स्तोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ पंडित ब्राह्मण के सानिध्य में करो, या उसके देखरेख में करो, या उसको पूछ के करो, या फिर ये जितने भी है अल्प विद्या भयंकरी मत करो। हर चीज़ का करने के बाद जरूर उसके लिए हवन करना है, हवन, कीर्तन, मार्जन, पुरस्चरण इत्यादि का जो विधान है, विधि, उन विधि के अनुसार करिए नारायण, तो स्वाभाविक बात है फल मिलेगा। ले बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कलयुग में फल नहीं मिलता है। देखो, फल नहीं मिलना और मिलना दोनों अलग अलग बिंदु है। मिलता उनको लिए है जो प्रार्थना के साथ पुरुषार्थ, यानी पाठ भी करते हैं और चेष्टा भी करते हैं, कर्म भी करते हैं। तीसरा ये है कि अगर कुंडली में बहुत भयंकर दुर्योग बना है, उसको काउंटर करने के लिए जितना अमाउंट करना चाहिए, पकड़ लो, सोचो आपका शनि उच्च का शनि है, महाबली अवस्था में है, और उस कंडीशन में उसको ज़्यादा काउंटर पाठ का आवश्यकता है। किसी को 10 पाठ आवश्यक है अगर 3 पाठ करता है, या किसी को 125,000 का मंत्र जब चाहिए वो 10,000 करके चुप बैठ जाता है, या फिर उस हवन जप करने के बाद दशमांश हवन इत्यादि नहीं करता है, या दशमांश हवन किया और पंडित ब्राह्मण भोजन इत्यादि नहीं किया, तो फिर उसमें फल में कमी होता है। नहीं होगा ऐसा बात नहीं है कि नहीं होगा, होगा जरूर, लेकिन कम होगा। उसको काउंटर करने के लिए कोई भी दुर्योग हो, पकड़ लो नौकरी भागने का दुर्योग है, जेल जाने का योग दुर्योग है, बदनाम होने का दुर्योग है, तो ऐसे कंडीशन में, या केस में हारने का दुर्योग है, ऐसे कंडीशन में उसको काउंटर करने के लिए जो अमाउंट ऑफ जप तप पूजा पाठ हवन चाहिए, वो अमाउंट को सही निर्धारित करना और उसके मात्रा में कमी नहीं करना, ये सबसे बड़ा प्रमुख विषय रहता है। और 7.5 नेचुरली एक हाईटॉप विषय रहता है, इसमें बहुत भारी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और उसके लिए जो काउंटर करना चाहिए वो अगर नहीं कर पाते हो, जितना उसको बैलेंस करने के लिए काउंटर वेट देना चाहिए नहीं कर पाते हो, तो उसको काउंटर कर नहीं पाता है, कम होता है तो कम रिजल्ट मिलता है। आप ठीक है ये बोलोगे कि मैं तो सब कर लिया, जो जो आप बोले थे, या जो जो मैं सुना था, या मेरे मित्र जो बोला ला के पानी रख दो गंगा जल की जगह में श्मशान का पानी रख दो, और ये सब कर दिया, ठीक है कर दिए, कोई बात नहीं। लेकिन याद रखना, कोई भी अशुभ चीज जीवन में जब आता है, या एक छोटा सा गलती ग्रह करा देते हैं, तभी जाके आपके जीवन में अशुभ फल देने के लिए कारगर होते हैं। तब तक नहीं, जब तक आपके द्वारा गलती नहीं हो, बड़ा गलती नहीं हो, आपके पाप का घड़ा जब तक पूरा नहीं हो, तब तक उस पाप का फल नहीं मिलता है। और यही होता है कि 7.5 के दौरान हम अपने पुण्य बल को बढ़ाएं, ताकि ऐसे नेगेटिव इवेंट को हम लोग काउंटर कर पाएं, ये है उसका सूत्र। लेकिन इसके बावजूद भी मैं कहता हूँ कि चलो थोड़ा बहुत भी करते हो, आदमी तो उतना भी नहीं करता है, जब उसका फटता है तभी करने के लिए दौड़ता है, आगे नहीं करता था अभी कर रहा है,
लेकिन नेगेटिव इवेंट या आपका फल नहीं हुआ तो भी मत छोड़ो, क्योंकि आगे भी तो जिंदगी बाकी है, इसलिए करते जाओ। ये मत आशा रखो कि भगवान करेंगे नहीं करेंगे। देखो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तो कर्म में हमारा अधिकार है, फल में कोई अधिकार नहीं है। और हम इंसान हैं, हम केवल कर्म कर सकते हैं, फल देने का काम उसका है, तो फल उसके ऊपर छोड़ दो। कर्म आपको करते रहना है, निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से केवल कर्म करते रहना है। तो ये कर्मयोगिक रेमेडी है, वो पूजा पाठ का रेमेडी है। फिर ज्ञान सहित करना चाहिए तो वो ज्ञान योगिक रेमेडी है। तब देखना धीरे 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 आपके ज़िंदगी में जो भी चला गया है उसका अच्छा आएगा या उसका डबल आएगा, आएगा जरूर। ऐसा शनि का कभी लाइफ में, फितरत में कहीं दिखा नहीं कि केवल शनि बाबा ले देते हैं और कुछ देते नहीं है या कुछ अच्छा करते नहीं हैं। करते ज़रूर हैं, हम तो इंसान छोटे इंसान हैं, छोटा सा अल्प बुद्धि है, हमें बहुत कुछ दिखाई नहीं देता है कि इसके बाद कुछ अच्छा भी होने वाला है। हर बुरा के बाद अच्छा होना, हर बवंडर और हर एक जो जैसे होता है ना, क्या बोलते हैं, हवा धोखा मतलब, हाँ, ऐसे होने के बाद उसके बाद एक अच्छा वातावरण भी आता है, हर अंधेरी रात के बाद एक उजाला सुबह भी आता है, और उसके लिए हमें प्रिपेयर होना चाहिए। और ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं पूजा पाठ किया और मेरे ज़िंदगी में ख़राब हो गया, आज तक किसी का नहीं हुआ है। तीसरा, ये जो पूछा था कि बृहस्पति का महादशा है, इसमें पूजा पाठ मत करो, कर्मकांड मत करो, बल्कि कुछ पाप काम कर लो, कुछ इलीगल कर लो तो बृहस्पति एक्टिव हो जाएगा, ये तो मेरे विचार के अनुसार गलत बात है। ऐसा है, हम मनुष्य हैं, बहुत कुछ मार्ग हमें दिखता नहीं है, ठीक है। और क्यों नहीं दिखता, क्योंकि हमारे शरीर में जो मल विक्षेप है, हमारे जो शरीर का मल है, जैसे उसके ऊपर एनिमा के ऊपर 1 घंटा 30 मिनट का एक वीडियो लिया, हमारे जीवन में जो गलत खान पान है, हॉट डॉग बर्गर पिज्ज़ा चाउमीन मंचूरियन चाय समय दूर रखो, बीड़ी सिगरेट से लेके जितने सारे मैदा वाला खाना है, वो नॉन फाइबरिक फूड है, सफ़ेद चावल और मैदा वाला आटा रोटी इत्यादि, ये हमारे शरीर में करते क्या है, मॉर्मेट मैटर को स्टॉक करते हैं। दूसरा बिंदु ये है कि ये होने के कारण हमारे बॉडी में मलिन रक्त का प्रभाव होता है, और मलिन रक्त एसिडिक ब्लड हमारे ब्रेन में और ब्लड में ऑक्सीजन को होल्डिंग कैपेसिटी या ऑक्सीजन जो धारण करता है, या शुद्ध रक्त कणिका और मैला रक्त कणिका, इसको वो प्यूरिटी में कन्वर्ट कर नहीं पाता है। और स्पेशली उनको ज़्यादा होता है जिनका शनि महादशा 7.5 1 साथ चल रहा हो। तो ऐसे कंडीशन पे सबसे पहला शरीर शुद्धि करना, एनिमा वगैरह लेके पेट को साफ करना। सोचो, आप बोले कि आज मैं सुबह पॉटी गया, लेकिन पॉटी जाने के तुरंत बाद अगर एक बॉडी में एनिमा दे दिया जाए तो वो खुद बिलीव नहीं कर सकता है कि कितना गंधयुक्त मैला मल युक्त गंधयुक्त पॉटी अपने पेट में धारण करके रखा है, दिन भर उसको एब्जर्व करेगा उसका बॉडी, तो उसमें क्या होता है, बुद्धि नहीं खुलता। नेक्स्ट बिंदु ये है कि कब कुंडली दिखाना कब नहीं दिखाना। इसीलिए मकरू वालों को सबको बोला था कि जब तक गुरु शुद्धि नहीं होता है कुंडली मत दिखाओ, कुछ दिमाग में घुसेगा नहीं बात आपका, या रास्ता मिलेगा नहीं। क्योंकि जो जैसे ये जो नवग्रह है और ग्रह मंडल है, नक्षत्र मंडल है, जब हम देखते हैं, हम बहुत पूजा पाठ जप करके 2-2 घंटा 4-4 घंटा 6-6 घंटा सुबह दो शाम दो रात को पूजा करके उसके बाद यहाँ आके बैठते हैं कि यहाँ के मेलिफिक प्लैनेट हमें इफेक्ट नहीं करें, हमें भ्रम नहीं करें, लेकिन उसके बाद भी कर देते हैं कभी कभार। तो इसीलिए जब ये मकर राशि का मन का स्थान राहु से मुक्त नहीं होता है और गुरु शुद्धि नहीं होता है, देखना किसी को कोई नया आइडिया, क्रिएटिव आइडिया नहीं आता है। तो क्रिएटिव, देखो 7.5 में आदमी को पिटाई कैसे होता है, आपका मन इतना दुर्बल हो जाता है, इतना अनस्टेबल हो जाता है कि किसी काम में आपको एक लॉन्ग डिस्टेंस फ्रिक्वेंसी नहीं दिखाई देता या लॉन्ग स्टेबिलिटी नहीं दिखाई देता, इसको किया फिर इसको किया, नहीं ये नहीं हुआ ये करेंगे, फिर ये नहीं हुआ ये करेंगे, या फिर मन एक अनस्टेबल कंडीशन पे चला जाता है। और जैसे जैसे 7.5 उतरता है मन आपका स्टेबिलिटी होने लगता है। और इसमें ये जो मन का परिस्थिति है, ये जब सुधरने लगता है तो आपके दिमाग में नया नया क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं, नया आइडिया, मन फिर स्टेबल होने लगता है। और जब मन स्टेबल हो जाएगा तो सारा काम धीरे धीरे आप देखना बनते लगेगा।
और मन जब तक अनस्टेबल है, मन जब तक पापयुक्त है, मन जब और शरीर में जब तक मैला है, जैसे अन्न ऐसा मन, जैसा मन ऐसा तन, जैसा तन ऐसा धन, जैसा धन ऐसे जन, तो ये जो फॉर्मूला है कि जब तक आप अपने शरीर इत्यादि को शुद्धिकरण नहीं करते हो, मन का शुद्धिकरण नहीं होता है, ग्रहों ग्रह जब तक अलाउ नहीं करते हैं, तब तक रास्ता भी नहीं मिलेगा। तो हमारे हाथ में क्या है, प्रार्थना करना और प्रयास करना कि हे ग्रह देवता हमें मार्ग बताएं और हमें हमारा बुद्धि ठीक करें ताकि हम अपने जीवन के मार्ग को अच्छा कर पाएं। देखना बहुत सारे लबरा लबरी केस, पति पत्नी केस क्या होता है, माया इतना ग्रसित कर जाता है कि जानते हैं वो मेरा पत्नी है, वो मेरा पति है, वो मेरा लबरा है, लबरी है, लेकिन वो लोग अहंकार के वजह से, पाप ग्रह के प्रभाव के वजह से, क्रूर ग्रह के प्रभाव के वजह से वो एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते हैं, मन छिन सा हो जाता है। और जैसे जैसे ये परिस्थिति सुधरता है उनके मन में पॉजिटिव आने लगता है, अच्छा भाव आने लगता है, प्रेम आने लगता है। अभी देख लो सिंह राशि के ऊपर शनि और राहु का डायरेक्ट मतलब इफेक्ट चल रहा है। अब सिंह राशि वालों को ना धरती में ब्रह्मा भी आके नहीं समझा सकता। मेष का ऊपर से राहु बैठा है, उसके ऊपर शनि का दृष्टि है, शनि राहु का भयंकर इफेक्ट है, उनको कोई नहीं समझा सकता। और आने वाला अक्टूबर के बाद वृश्चिक राशि के ऊपर शनि राहु का प्रचंड दृष्टि आएगा, उनके अंदर भी वही विच्छेदात्मक भावनाएं आएंगे, रास्ता मिलेगा ही नहीं, ऊपर से साढ़े साथी ए ढैया। तो ये परिस्थिति इस समय होना एक जायज़ बात है। और जब जब ये ग्रहों का गोचर हो जाता है मानसिक स्थिति में, शारीरिक स्थिति में, पारिपार्श्विक स्थिति में, लोगों के अंदर परिवर्तन होते हैं और मनोस्थिति परिवर्तन होता है तो जीवन स्थिति परिवर्तन होता है। और आप चाहते हो कि उससे पहले हो जाए तो फिर उसी लेवल पे उसको काउंटर करने के लिए जितना स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना चाहिए, मेडिटेशन, जप, ध्यान, पूजा पाठ, ये सब एक अंग है, भिन्न भिन्न अंग है, तो उतना आपको करना पड़ेगा तभी जाके होगा। साथ में खाली पूजा पाठ कर देने से भगवान नहीं सुनते हैं, या खाली हवन करने से नहीं होगा, शरीर भी है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तो शरीर का शुद्धिकरण के लिए भी भिन्न भिन्न नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, पंचकर्मा, दशकर्मा इत्यादि का भी साथ लेना पड़ता है। और इसीलिए मैं यहाँ पर उस प्रकार का शिविर भी कराता हूँ कि शरीर शुद्धि हो, इंटेस्टाइन शुद्धि हो, बुद्धि शुद्धि हो, ब्लड स्ट्रीम शुद्धि हो, ब्लड का शुद्धि हो, ये बड़ा जरूरी विषय रहता है। नेक्स्ट है कि कोई भी ऐसे संत महात्मा गुरु के आश्रम में जाना, स्पिरिचुअल कोर्स 7 डेज 1 मंथ का करना, साधनात्मक वहाँ पर करना, तो भी आपके दिमाग में नया आइडियाज एंड बुद्धि आता है और शरीर शुद्धि होता है। बचाने वाला तो कोई है तो गुरु है, गुरु के जो ऑरा है, गुरु का जो आभा है, गुरु के ऊपर जो एनर्जी है, वो हर मैलिफिक प्लैनेट का एनर्जी को न्यूट्रलाइज कर देता है और आपके जीवन में फिर रास्ता मिलता है। इसीलिए बोलते क्या है, जब जीवन में समस्या आए तो गुरु दीक्षा लो और उसके पास जाके बैठो, उसका सेवा करो, तो देखना कि आपके जीवन में सद्बुद्धि जग जाएगा और सत्शक्ति जग जाएगा और आपके जीवन में समाधान आ जाएगा। कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का काम किया है, श्मशान से पानी उनी ले के लड़ा के रखा है, और मैं ये नहीं बोलूँगा कि हटाओ, मेरा अधिकार नहीं है। देखो वो सब भूत प्रेत पिशाच डाइन चिरगन असुप्त आत्माएं उस नेगेटिव अलर्ट मिलेंट में रहते हैं। आप देखना साउथ अफ्रीका में एक ठो वो कुछ घास का तंबू टाइप बनाते हैं और उसको कुछ दारू वारू दे के पूजा करते हैं, श्मशान का पानी क्या क्या दे के, उसमें कोई भी आदमी नहीं रहता है लेकिन बहुत स्पीड में अपने आप घूमता है, ऑटो स्पिरिट कॉल हो जाता है वो। ऐसे ही हमारे चैत्र यात्रा में जिनके ऊपर देवी आ जाती हैं और नेगेटिव वाला बाम साधना, दक्षिण साधना में, तो वैसे ही बहुत एक्टिव एनर्जी रहते हैं, अगर कोई उनको मना करे या हाँ बोले उनको तो वो सीधा सीधा आपके ऊपर इफेक्ट करते हैं। इसलिए कोई पत्थर पहना है, मैं कभी नहीं बोलता उतार दो, कोई इस प्रकार का चीज़ भूत प्रेत पिशाच डाइन चुरगिन अस्थि हड्डी लकड़ी पानी लेके रखा है, मैं कभी नहीं बोलता भगाओ, जो तुम्हें बोला है उससे पूछो, हम कौन है उसको भगाने हटाने वाला। नेक्स्ट बिंदु ये है कि जो भी आप जो ये कह रहे हो कि हम लोग केवल समय का इंतज़ार करें और हाथ में हाथ धर के बैठे रहें और कुछ नहीं करें, नहीं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये बोल रहा हूँ कि आपको आध्यात्मिक प्रयास करते रहना है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एक जीवन विद्या है, ऐसा नहीं कि जब बीमारी आया तो मेडिसिन खा लेंगे तो ठीक हो जाएगा। हम लोग उड़िया में बोलते हैं केबे नाई काले नाई गुम्हा पुने रे माई माई, माई 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 शब्द का अर्थ है मामी, जैसे मामा का बीबी को माई बोलते हैं उड़िया में। और अगर सोचो कि कभी भी तुम अपने मामी को गया नहीं, गए नहीं, मिले नहीं, कुछ कभी उनके साथ बैठा नहीं, और गम्हा पुनई ये जो पूर्णिमा है अभी लक्ष्मी पूजा आ रहा है, उस समय सारे मामी लोग अपने भांजा भांजी को साड़ी कपड़ा ड्रेस देते हैं,
और जिंदगी में एक बार जाके बोलोगे, साल में एक बार जाके पहुंच जाओगे, मम्मी मम्मी बोलोगे, तो तुमको कपड़ा नहीं देगी, खुशी मिठाई उठा नहीं देगी। तुमको जिंदगी में देवताओं के साथ, ईश्वर के साथ, भक्ति भगवान के साथ, आध्यात्मिक शक्ति के साथ, पवित्र शक्ति के साथ रेगुलर रिलेशन रखना है, तभी जाके तुम्हारे इमरजेंसी में काम में आएगा। जैसे प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभी ऐसा हुआ, ये पूजा हो रहा था, विश्वकर्मा पूजा, गणेश पूजा में, तो मैं वहाँ पूजा कर रहा था, तो वो एक पंडित जी है, बोले यार तुम जब मंत्र करते हो तो सारे चुप हो जाते हैं, हम मंत्र करते हैं तो सुनते नहीं हैं, तुम किसी को रक्षा सूत्र बांधते हो तो तुमको ज़्यादा दक्षिणा देते हैं, हम बांधते हैं तो देते नहीं हैं। तो मैं, वो मेरे को उत्तर चाह रहा था, तो मैं बोले एक ठो काम कर, तुम मेरा मुंह में एक पंच मार, मैं तेरे मुंह में एक पंच मारता हूँ। हाँ, तुम ब्लैक बेल्ट है? नहीं, ब्लैक बेल्ट है तो क्या हुआ? बोले तुम डेली प्रैक्टिस करता है पंच की, मारेगा तो मेरा 32 झड़ जाएगा, मैं मारूंगा तो तेरा एक भी नहीं झड़ेगा। मैं बोला यही मेरे साथ है कि मैं हर दिन 3 टाइम मिनिमम मंत्र का जाप करता हूँ, स्तोत्र पाठ करता हूँ, संस्कृत चैंटिंग करता हूँ, 2 टाइम हवन करता हूँ, 5 गायत्री करता हूँ। जैसे 5 नबाजी होते हैं ना, ऐसे 5 गायत्री है, ब्रह्मा गायत्री, विष्णु गायत्री, रुद्र गायत्री, काली गायत्री और जनरल जो हमारा गायत्री है भूर्भुवः स्वः वाला, तो इस प्रकार का करता हूँ, तब मेरे मंत्र में ताकत है। मैं अगर प्रैक्टिस नहीं करूँगा तो मेरे मंत्र में ताकत नहीं होगा। मैं अगर कराटे डेली पंच किक नहीं करूँगा तो मेरे पंच किक में ताकत नहीं होगा। ऐसे ही अगर जो व्यक्ति रेगुलर नित्य पूजा पाठ हवन जप तर्प कर्मकांड कर रहा है, तब इमरजेंसी में वो काम में आएगा। लेकिन कभी नहीं करता और सडन अभी मेरे को 7:30 लगा बोल के मैं करता हूँ, तो फल इतना जल्दी मिलता नहीं है। मिलता है, धीरे धीरे मिलता है। हमें लगता है कि ये टोटका है, पंडित जी शाम को बता दिए, सुबह जाके कर दिए और दूसरा दिन हमको रिजल्ट मिल गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको इस दौरान भी आपको कोई मंत्र मिल गया, यंत्र मिल गया, तंत्र मिल गया, पूजा मिल गया, कोई कवच मिल गया, कोई कुंडल मिल गया या कोई मदांग मिल गया, तो ये सबको काम करने के लिए, एक्टिव होने के लिए आपका रेगुलर नित्य और रेगुलर पूजा पाठ चाहिए। और जिस समय एक्टिव हो जाएंगे, मेरा चैलेंज है, देखना रास्ता खुल गया होगा और बहुत सारे असंभव कार्य धीरे धीरे संभव हो गए होंगे। तुम्हारे जीवन में अच्छा समय आ गया होगा, तुम्हारा धन धान्य गोप लक्ष्मी तो सब कुछ प्राप्ति हो गया होगा। लेकिन अगर कभी कभार करते हो तो उसका इंटेंसिटी कम होगा और उसको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने, हम लोग बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखते हैं तो उसको भी 5 साल के बाद जाके डबल होता है। गुड, वेरी गुड, ग्रेट आंसर, वेरी गुड, शाबाश। पैसा वैसा सब आ जाएगा बाबा, मैं 100% आ जाएगा। ऐसा मत सोचो कि जिंदगी भर ही हमको भीख मांगना पड़ेगा, रोड में जाके डंडा कटोरा लेके खड़ा होना पड़ेगा। नहीं, ये तो जो भी आपको आज के डेट में घट रहा है या हो रहा है या जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है, शनि बाबा केवल आपको सिखा रहे हैं। इट इज़ ए पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। जब जब आप सीख जाओ तब तब देखना कि आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ रहेगा। और जब जब आप अपने को आत्म सुधार कर लिया, सेल्फ करेक्शन, तो सेल्फ ऑस्पेक्ट एंड सेल्फ करेक्शन कर लिया, तो शनि बाबा देखना यहाँ पर अच्छे रिजल्ट कर देते हैं। जब तक ट्रेनिंग में नहीं सीखे हो तब तक 1000 टोटके करो ठोकाई खाते रहोगे। इसलिए 7:30 मीन्स एक ही है, वो इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी ऑफ सैटर्न, शनि का यूनिवर्सिटी है, सिखाते हैं। जितना जल्दी सीख जाओगे उतना जल्दी प्रमोशन मिल जाएगा। और मैं देखा हूँ 7:30 के दौरान, पहले 7:30 के ढैया में आदमी सीख जाते हैं, अगला 5 साल उनको कोई कष्ट नहीं होता। लेकिन जो सीखता नहीं है, शनि को लेके रिसर्च करता नहीं है, शनि क्या चाहता है समझता नहीं है, मेरे कुंडली में शनि क्या है और क्या करने से शनि खुश होगा और कितना अमाउंट करना है, अगर नहीं करते हैं, छोटा बहुत करके ठग देते हैं, तब तक आपको समाधान नहीं देने वाला। हम लोग क्लास 6 में कहानी पढ़ते थे, वो बच्चे लोग संडे वीकेंड में पिकनिक जाने के लिए बना, तो उनका चाचा आके बोला कि ऐसा करो पूरा रूम घर साफ करो फिर पिकनिक जाओगे। तो बच्चे लोग जल्दी जाएंगे बोल के ना झाड़ू उड़ू करके वो जितना कचरा सब खटिया के नीचे, अलमारी के नीचे डाल दिया। तो फिर शनि बाबा आ गए, शनि माने चाचा, चाचा आके देखा कि अरे ये साफ नहीं किया है। बोला जब तक मैं बैठा हूँ साफ नहीं करते हो तब तक नो पिकनिक। तब तक बच्चे लोग साफ सुथरा में लगते लगते और ज़्यादा साफ करने लगा शनि, मतलब चाचा उनका और ज़्यादा सफाई करने लगा, पिकनिक कैंसिल हो गया। ऐसा ही शनि 7:30 में और महादशा में होता है। अगर आप नियम निष्ठा पूर्वक काष्ठा पूर्वक ईमानदारी से अपने दायित्व कर्तव्य को निभाते हो, दायित्ववान बनाना शनि का काम है, बन जाते हो समय। और निचोड़ यही है कि अध्यात्म में जाना और अपकर्म नहीं करना, कर्म का भगवान ग्रह है, तो शनि आपको तुरंत रिवार्ड एवार्ड बोनस दे के पिकनिक उकनिक भेज देगा। जाओ और पैसा लो मेरे से, टिप्स लो, खाओ पियो, ऐसा करो।
नहीं किया तब तक ठोकाई चलता रहेगा। कारण क्या है, सब कोई कुंडली देखते कर्म ना देखे कोई, तो अपने कर्म को पहले इंस्पेक्ट करो कि आपका कर्म अच्छा होना चाहिए। अगर कर्म ठीक है तो फिर कुंडली दिखाने का जरूरत नहीं है। कर्म में मेहनती हो, पसीना बहाने वाले हो, आराम का हराम खाने वाले नहीं हो, बिना मेहनत का खाने वाले नहीं हो, किसी का घुस बेच करके खाने वाले नहीं हो, तो चिंता का कोई विषय नहीं है। लेकिन ऐसे खाने वाले हो तो फिर शनि माफ नहीं करते हैं।